एक समय था जब छत की कमी से जूझते परिवार धूप बारिश सहन करने के लिए मजबूर थे। पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष और लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। साल 2014 मैं पहली बार केंद्रीय सत्ता की कमान संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। छत का सपना संजोए लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और मिला गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नलिये वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था, और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला। बदलाव का दौर उन गांवों तक भी पहुंचा जो आजादी के बाद 70 साल तक भी अंधेरे में डूबे थे। ऐसे ही 18,000 गांवों की दशा बदली और गांव रोशन हो उठे। वंचितों, शोषितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में उज्ज्वला योजना ने भी अहम भूमिका निभाई और निशुल्क गैस कनेक्शनों ने करोड़ों महिलाओं और परिवारों की जिंदगी बदल दी। सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर स्वच्छ भारत भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिला और देश 100% ODF बना। पहले आगे से शौचालय नहीं था, तब बेटी पुतो बाहर जाते, आप है कि शौचालय बन गया है तो अपना बेटी पुतो बाहर नहीं जाते है। साल 2020 जब देश के सामने COVID-19 महामारी की चुनौती आई, तब सरकार मददगार बन सामने आई। राशन की चिंता में परेशान लोगों को राहत दी और शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसी दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया गया, जिसके बाद राशन कार्ड धारी देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ठेला रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 10,000 का ऋण दिया जाता है। बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ, मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है सर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए किसानों, श्रमिकों के लिए जहां मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की, तो सभी के लिए अटल पेंशन योजना की भी। साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति विवाद को कम करने और ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक सौंपे जाने की एक बड़ी पहल भी हुई। आर्थिक सामाजिक विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन देश में शुरू हुई। पानी की कमी से जूझते इलाकों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा और करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ। जल जीवन मिशन के तरफ से घर घर टोटियां लग गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने की भी थी। सरकार ने चुनौती का समाधान करने के लिए साल 2017 में मातृ वंदना योजना और साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली सालाना 5,00,000 रुपए के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। अब एक ओर जहां गरीबों का इलाज आसानी से हो पा रहा है, वहीं जन औषधि केंद्रों ने मरीजों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरी दवाइयां जो है 5,000 की आती थी
और अमीर दाएं 1500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना ने देश में 35 करोड़ लोगों के सपनों को उड़ान दी है। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान मिला है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं, लेकिन लक्ष्य 100% का है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र लिए सरकार लगातार देश की विकास यात्रा को और तेज गति दे रही है। नई ऊर्जा, नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 130 करोड़ लोगों के सपनों का नया भारत बनाने का है।